हेलो, आपका स्वागत है मेरे चैनल होम स्टॉप पे। आज मैं बना रही हूँ पनीर बटर मसाला। पहले हम मसाला रेडी करते हैं। मैंने एक कढ़ाई पे लिया है 2 चम्मच बटर और तेल, 2 इलायची डाल देंगे और लौंग डाल देंगे और 1 कटा हुआ प्याज। इसको हम आधा भूनेंगे, ज़्यादा भुनना नहीं है। इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन और डालेंगे हम अदरक। इसको थोड़ी देर भुनेंगे। अब हम डालेंगे कटे हुए 2 टमाटो, अब मैं डालूंगी काजू। मैंने काजू को थोड़ी देर भिगो के रख दिया था, वो डाल दूंगी। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए पक चुका है, टमाटो भी बहुत सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। मसाला रेडी है। अब एक कढ़ाई में फिर से तेल और बटर डालेंगे और मैंने यहाँ पे लिया है 2 तेज़पत्ता और 2 रेड चिली और 1 कटा हुआ प्याज। इसको थोड़ी देर भून लेंगे। देखिए ये भून चुका है, प्याज भी लाल हो चुका है। अब हम जो पेस्ट बनाए थे मसाला, वो डाल देंगे। इसको हम भूनेंगे। इसको थोड़ी देर भूनने के बाद हम सारे जो ड्राई मसाले हैं वो डालेंगे। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इसको हम अच्छे से भूनेंगे। धीमी आंच पे भूनना है। ये होने लगा है मसाला, देखिए मसाला कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है, यानी ये हो चुका है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे 2 टेबलस्पून मलाई। इसको मिक्स करेंगे। अब हम डाल देंगे पनीर। इसको थोड़ी देर भूनना है। अब हम पानी डाल देंगे। 1 छोटे गिलास पानी लिया है मैंने। ये हो चुका है। अभी हम डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है, इसका जो स्मेल है बहुत अच्छा आता है। थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये अब रेडी है। ये आप घर में बना के देखिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।